तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक भाई का सेटअप दिखाऊंगा, ठीक है। वो मेरे पास पढ़ने आता है तो मेरे से वो मछली लिया है और मेरा जो फार्म है वो देख देख के वो फार्मिंग किया है, ठीक है। छोटा सा एक फार्म बोल सकते हो, वो मतलब आपने हॉबी को फार्म जैसा बनाया है। आप फार्म ही बोल सकते हो या फिर हॉबी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, मगर वो इस उम्र में जो चीज़ किया है सिर्फ मेरे फार्म में वो देख देख के, ठीक है, मेरे बात को सुन के और मेरे फार्म में वो देख देख के जो चीज़ किया है इस उम्र में वो बड़े बड़े लोग कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप लोगों को सुन के शायद बुरा लगेगा, आप खुद का जो ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुल कर नहीं पाते हो, मगर हमारे यहाँ का ये जो बच्चा है वो कर लिया है, ठीक है। तो कौन है वो बच्चा, कौन है जो इतना सारा कुछ काम कर चुका है, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज का ये वीडियो आप लोग एंड तक देखना। और ये आर्मोंड लीफ दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था कि ये कौन सा लीफ है, ये आर्मोंड लीफ तो नहीं है, तो आज की इस वीडियो में ये पूरा आपका डिटेल क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उनका जो जो छोटा छोटा मछली यानी कि बेटा फिश का जितना भी फ्राई है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डाफनिया अभी दिया जा रहा है, पहले मैं अपने खुद के फार्म में खाना दे दिया, अभी उसके साथ आया हूँ उसके फार्म में खाना देने के लिए, ठीक है। तो हमेशा हम दोनों का ये रूटीन रहता है, सुबह सुबह उठो, डाफनिया पकड़ो और एक दूसरे के फार्म में खाना देने जाओ। तो दोनों के फार्म में खाना दे रहा हूँ, अभी मेरा ऑलरेडी खाना दिया हो चुका है, ठीक है। तो इसके फार्म में मैं आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कितना सारा बेटा फिश का फ्राई, आप लोग देख लो। और ये दोस्तों ऐसा वैसा कोई लोकल मछली का नहीं है, ये मुझसे ही मछली लिया है, क्वालिटी फुल मछली लेके अच्छे से ब्रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो जितना भी दोस्तों मछली इससे निकलेगा वो अच्छा क्वालिटी का मछली ही निकलेगा। वीडियो के आगे आपको मैं जो एडल्ट मछली है, जो मैच्योर मेल फीमेल जिससे ये बच्चा निकाला है, ब्रूडर मछली है, वो दिखाऊँगा, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग कुछ दिनों से लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। 1000-1500 लोग मतलब वीडियो को देख रहे हो मगर 60 या फिर 80 लोग लाइक कर रहे हो, तो लाइक कर दो भाई यार। दो आप लोग देखते हो, लाइक करने में तो पैसा नहीं लगता यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक लाइक कर दो, क्योंकि लाइक अगर करोगे तो ज़्यादा हॉबीज़ के पास ये वीडियो पहुँचेगा और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, इतना मेहनत करके जो वीडियो बनाता हूँ उसका एक तरह से बोल सकते हो रिजल्ट, फल एक तरह से बोल सकते हो, फल मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखो वीडियो को, कितना सारा बेटा फिश का फ्राई है, आप लोग बस देख लो, ठीक है। मैं गिनती करके नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा है। और जितना भी दोस्तों बेटा फिश है इसमें सभी OHM रोस्टेल कैटेगरी का है, ठीक है। रोस्टेल में जो OHM आता है उसी का है। और एक दो बेटा फिश में दोस्तों डाम्बो भी है, क्योंकि इसका जो मेल था वो डाम्बो एयर रोस्टेल में था, ठीक है। और ये जो लीफ है यानी कि ये जो पत्ता है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि ये तो आर्मोंड लीफ है नहीं। अब देखो भाई, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो आज शाम को लाऊंगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि इसका भाई ये पत्तों का मतलब सीन क्या है, ये कौन से पेड़ का पत्ता है। तो आज शाम 5 बजे या फिर 6 बजे, ठीक है, एक वीडियो आएगा ज़रूर, ये कौन सा पेड़ का पत्ता है, मैं क्यों इसे यूज़ करता हूँ, कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं, वो सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ ये इंडियन आर्मोंड लीफ नहीं है, बहुत सारे लोगों का गलत फहमी है। और मैंने ये गलत फहमी दोस्तों आप लोगों को बताया नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाला था। तो आज शाम को 6 बजे वीडियो आ जाएगा, ठीक है, आप लोग रेडी रहना। और आप देखो दोस्तों, ये जो थर्मोकॉल वगैरह दिया है उसके ऊपर स्नेल ने अंडा दिया है, ठीक है। स्नेल यानी कि जो घोंगा होता है, ये देख लो, इसने अंडा दिया है, ठीक है। मैं आपको उठा के दिखाऊंगा अभी, ये स्नेल जो है वो अभी अंडा दे रहा है, ठीक है। ये देख लो, ये अभी अंडा दे रहा है और इसका जो अंडा है बिल्कुल जेली जैसा, जो जेली होता है हम लोग खाते हैं उसके जेली जैसा दिखता है। और अगर आप पास से एकदम पास से देखोगे ना, उसमें अंदर जो है वो छोटा छोटा गोल गोल जेली, मतलब अंडे के अंदर छोटा छोटा गोल गोल जो एम्ब्रियो होता है वो दिखेगा, ठीक है। अब जिन लोगों को एम्ब्रियो के बारे में नहीं पता है, बोल देता हूँ, एम्ब्रियो यानी कि किसी भी जीव का अंडा जब किसी भी जीव का बच्चे में ट्रांसफ़र होता है उसके बीच का जो स्टेज होता है उसे एम्ब्रियो बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जितना भी मतलब बेटा फिश का फ्राई आप लोग देख लो, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो बेटा फिश है फ्राई सब कुछ छुपा हुआ था और मैंने इसको पूरा जो मतलब प्लांट वगैरह है वो हटाने के लिए बोला। और ये जो प्लांट का नाम है दोस्तों, ये हॉर्नट है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे लोकली मिलता है, आपको अगर चाहिए तो मेरे को कॉल करो, मैं आपको अरेंज करवा के दे दूँगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी चाहिए था। और ये भाई को देख लो, यही इसका फार्म है और इसको पेड़ पौधे का भी शौक है, ठीक है।
जैसे कि मछली तो आप देख ही रहे हो, मछली आपको आगे दिखाऊंगा भी, थोड़ा सी इसको प्लांट का भी शौक है, ये फूल पत्तों का भी शौकीन है, तो देख लो यहाँ पे कितना सारा कैक्टस वगैरह का कलेक्शन है। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो कैक्टस वगैरह है दोस्तों, मेरे को ये सब का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ ये कौन कौन सा पेड़ है। और ये एक मेरे को पता है, बांग्ला में इसे लॉटरी गाज बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को बस इसी का नाम मालूम है, बाकी जितना भी आप लोग देख रहे हो ये जितना भी ट्री है इसका नाम आप लोग नीचे कमेंट करो। और ये एक लीली या फिर मिली कुछ तो बोला था, ये एलोवेरा का प्लांट है मेरे को पता है। तो जितना भी प्लांट है, आप में से किसी को प्लांट का नॉलेज है तो आप लोग बताओ, ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ किस किस को फिश के साथ साथ प्लांट का भी नॉलेज है। और ये चीज़ देखो दोस्तों, ये चीज़ आपको पता है क्या है, जो लोग गांव से है उनको शायद पता होगा, शहर के लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। ये गाय का जो गोबर है उसका बना, उसका एक मतलब केक जैसा बना के सुखाने देते हैं, ठीक है, और उसी को दोस्तों जलाते हैं, यानी कि एक तरह का फ्यूल के हिसाब से काम होता है, ठीक है। जो घर में खाना वगैरह बनता है इसी के आँख से बनता है। आप इसको फर्टिलाइज़र के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपका कोई प्लांट है, गुलाब का पेड़ है या फिर किसी भी सब्ज़ी का पेड़ है, उसके नीचे दोगे तो ये फर्टिलाइज़र जैसा भी काम करेगा। और हमारे यहाँ पे मेनली इसे फ्यूल के हिसाब से काम लिया जाता है, ठीक है, यानी कि किसी भी खाने को पकाने के लिए फ्यूल के हिसाब से काम लिया जाता है। और आपको मैं एक कमाल का चीज़ दिखाता हूँ, वो फ्यूल फ्यूल छोड़ो भाई, इसमें देखो भाई इतने छोटे जगह में इतने छोटे बच्चे ने ब्रीडिंग सक्सेसफुल किया है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को भाई इतना सारा वीडियो देखने के बाद भी डाउट है कि भाई मेरा ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, मेरा मछली मर रहा है, ये हो रहा है, इतना सारा प्रॉब्लम। मगर दोस्तों ये जो बच्चा है दोस्तों, इसका उम्र मैं पहले बता देता हूँ, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो शायद से आप लोगों को सोच में पड़ गए हो कि भाई इसका उम्र कितना है, तो ये क्लास 7 में पढ़ता है, ठीक है, उसका उम्र 11-12 साल होगा, ठीक है। इतना छोटा जो बच्चा है, इतना सारा ब्रीडिंग अच्छे से किया है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, मैंने उसको जो मेल फीमेल दिया था उसका क्वालिटी और उसका जो हेल्थ है उसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैंने जो मेल फीमेल दिया था वो मेल फीमेल मतलब 100% कॉन्फर्म था कि वो ब्रीडिंग करेगा, क्योंकि मैंने उसे खुद चूज़ करके दिया था, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों एक सक्सेसफुल ब्रीडर से, एक रेपुटेबल ब्रीडर से मछली लेने का फ़ायदा। आप दुकान में जाते हो, कहीं से भी कोई भी ब्रीडिंग स्टॉक मतलब बूढ़ा स्टॉक ले लेते हो, बूढ़ा स्टॉक यानी कि मेल फीमेल, ठीक है, जिसके आप जिससे आप ब्रीडिंग करवाने वाले हो उसका जो बूढ़ा स्टॉक बोल रहा हूँ, ठीक है, आप कहीं से भी ले लेते हो और दुकानदार जो है वो आपको पूरा मतलब उल्लू बना के कुछ भी थमा देता है और ऐसा वैसा पैसा ले लेता है, ठीक है, उसी के वजह से दोस्तों आपका ब्रीडिंग अनसक्सेसफुल होता है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है कि किस तरह से आप दुकान में जाके एक अच्छा खासा बेटा फिश खरीद के ला सकते हो जो अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जाके देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग भाई कॉमेंट करते हो कि यार तू वीडियो नहीं बना रहा है, इसके ऊपर वीडियो बना, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना। उन लोगों को मैं भाई बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल को थोड़ा देखो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक थोड़ा देखो, आपको ऑलरेडी मैंने जितना भी बेटा फिश रिलेटेड वीडियो बनाया है 95% कॉन्फर्म हूँ मैं कि आपका प्रॉब्लम का जो वीडियो है वो मिल जाएगा, ठीक है, चाहे किसी भी बीमारी के ऊपर हो, बेटा फिश का किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर हो, अंडा क्यों खाता है मेल उसके ऊपर हो, बिना मेल के किस तरह से आप अंडों को हैच करवा सकते हो उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो चैनल को एक बार चेक कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक बेटा फिश लवर हो तो मेरा चैनल 110% आपको कॉन्फर्म अच्छा लगेगा। तो बाकी बात को ज़्यादा ना खींचते हैं, ठीक है, आपको मैं तो इतना सारा फ्राई में दिखा दिया, इसका बहुत सारा टैंक में फ्राई है, ठीक है, हर एक टैंक दिखाने जाऊँगा तो शाम हो जाएगा। और इसका जितना भी फ्राई है दोस्तों मैं बोल देता हूँ पहले, अभी बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करके बोलेगा कि भाई इसका जो फ्राई है वो कितने में बेच रहा है, ये बेच नहीं रहा है, ठीक है, मैं फार्म बोल रहा हूँ, मगर ये इतना बड़ा इसका हॉबी है, ठीक है, ये एक भी मछली यहाँ से बेचेगा नहीं, वो सब बढ़ा करेगा, बढ़ा करके उसके बाद उसका जो मर्ज़ी होगा उसका मर्ज़ी, ठीक है, मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा कि मछली बेच दे ये कर दे, क्योंकि दोस्तों वो बच्चा है, मछली वगैरह उसका जो भी मर्ज़ी है वो करे, ठीक है। और ये हमारा डाफनिया है, आप लोगों को तो पता ही है डाफनिया किस तरह से मैं पकड़ता हूँ, उसके ऊपर भी वीडियो है, डाफनिया किस तरह से कल्चर किया जाए उसके ऊपर भी वीडियो है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक वीडियो देखते रहो, आपका हर एक प्रॉब्लम के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो डाफनिया किस तरह से खाने देना है भाई उसके ऊपर क्या बोलूँ, डाफनिया सीधा लो डाल दो, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसे देना मतलब पानी में थोड़ा सा फैल जाए, ठीक है, ऊपर से सीधा एकदम ठपाक के दे दिया ऐसा नहीं, थोड़ा सा पानी में ऐसे दो कि डाफनिया थोड़ा चारों तरफ घूमे, ठीक है, इस तरह से दोगे तो बढ़िया होगा।
बाकी दोस्तों जितना भी मेल देख रहे हो, मेल भी डाफनिया खाता है। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियो में आपको बोला था कि मेल को कभी भी डाफनिया मत देना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डाफनिया मेल को डैमेज कर सकता है। मगर आपको अगर डाफनिया का पहचान हो तो आप मेल को डाफनिया दे सकते हो, ठीक है। मैंने जैसा कि इस बॉटल में मेल को दिया, तो आपको मैं दोस्तों कभी भी ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतना मतलब बड़ा साइज का मेल को डाफनिया देना, ठीक है, ऐसा कभी भी मत करना। मैं दोस्तों आपको बोल देता हूँ, एडल्ट मेल को कभी भी डाफनिया खाने मत देना, क्योंकि आपका जो मेल है वो मर भी सकता है, ठीक है। तो आपका मेल कैसे मरेगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों आप मेरा थोड़ा जो गांव है उसका लुक देख लो, ठीक है, कितना शांति का गांव है। कुछ ही दिनों में ये जितना भी पेड़ पौधे हैं वो सब कुछ साफ़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भविष्यवाणी है। जितना दिनों तक मैं इस गाँव में हूँ, हर साल थोड़ा थोड़ा पेड़ साफ़ हो रहा है, धीरे धीरे घर बन रहा है। तो मेरे को लगता है 10 साल के अंदर ये पूरा शहर बन जाएगा, गांव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा आप लुक देख लो, ये जो वीडियो है ये वीडियो मैं भी 10 साल बाद देखूंगा तो मेरे को भी हैरानी होगा, ठीक है। ये जितना भी पेड़ पौधा है वो सब कुछ हटने वाला है, मैं 110% कॉन्फर्म हूँ। तो इस भाई को देख लो, इस भाई को तो मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, और जो लोग अभी तक देख रहे हो मैं बोल देता हूँ इस भाई का नाम प्रीतम है। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में प्रीतम लिख दो, बाय बाय।